हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल जसपाल रावत। दोस्तों, ये मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन का सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाने सिखाए थे, जो काम के रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह पानी पीता है, वह स्कूल जाती है, वे किताब पढ़ते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाए थे। उसमें मैंने आपको किस सेंटेंस के साथ में क्रिया को एस लगेगा, किसे एस नहीं लगेगा, फिर किसे डू लगेगा, किसे डज लगेगा, यह बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस भी बनाने सिखाऊंगा। जैसे मैंने खाना खा लिया, वो स्कूल चला गया, उसने गाना गा लिया, ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस हो गए। मैं खाना खाऊंगा, वो स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो इन सेंटेंस के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों, सेंटेंस बनाने से पहले हमें क्रिया के तीन रूप पता होना चाहिए। तो ये हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि हमारे पास है ईट, एट, ईटन। ईट जो है प्रेजेंट टेंस है, एट पास्ट टेंस है, और ईटन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे हम क्रिया का तीसरा रूप भी कहते हैं। फिशिंग, sang, sung, drink, drank, drunk, pray, prayed, prayed। रेगुलर वर्ब में जैसे प्रे है, उसमें दूसरा और तीसरा रूप सेम होता है। इरेगुलर वर्ब में दूसरा और तीसरा रूप अलग अलग होता है। आइए अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट क्रिया का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा, क्रिया का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। आई ईट चॉकलेट, इसमें क्रिया का पहला रूप है। आई एट चॉकलेट, क्रिया का दूसरा रूप। आई शैल ईट चॉकलेट, क्रिया का पहला रूप। अब फ्यूचर टेंस में हम शैल या विल लगाते हैं। अधिकतर हम लोग आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। सी सिंग सॉन्ग, क्रिया का पहला रूप। सी सैंग सॉन्ग, क्रिया का दूसरा रूप। शी विल सिंग सॉन्ग, क्रिया का पहला रूप। ही ड्रिंक्स मिल्क, क्रिया का पहला रूप। He drank milk, क्रिया का दूसरा रूप। He will drink milk, क्रिया का पहला रूप। We pray to God, क्रिया का पहला रूप। We prayed to God, क्रिया का दूसरा रूप। We shall pray to God, क्रिया का पहला रूप। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के साथ में She sings song लिखा गया है। He
drinks milk. जो भी एक वचन उनके साथ में क्रिया को एस लगता है। ये अधिक डिटेल में जानने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन का पहला वीडियो। अब हम देखेंगे इन्हीं सेंटेंसेस को। आई ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाता हूं। आई एट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट खाया। आई शैल ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाऊंगा। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया। ही विल ड्रिंक मिल्क, वह दूध पिएगा। शी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती है। शी सैंग सॉन्ग, उसने गाना गाया। शी विल सिंग सॉन्ग, वह गाना गाएगी। वी प्रे टू गॉड, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। वी प्रे टू गॉड, हमने ईश्वर की प्रार्थना की। वी शैल प्रे टू गॉड, हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी कि क्वेश्चन रूप बनाएंगे। क्वेश्चन रूप कैसे बनता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन टाइप वन बनाएंगे। क्वेश्चन टाइप वन यानी कि जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं और जिसकी शुरुआत क्या से होती है। तो शुरुआत में डू और डज लगता है और बाकी फिर जैसे का तैसा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में डिड लगता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में शैल विल अब सब्जेक्ट से पहले लग जाता है और ये क्वेश्चन फॉर्म ले लेता है। अब देखिए एग्जांपल्स। डू आई ईट चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट खाता हूँ, कहाँ पे डू लगेगा और कहाँ पे डज लगेगा, ये जानने के लिए आपको मेरा पहला वाला सेंटेंस फॉर्मेशन का वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको ये डिटेल में समझाया हुआ है। क्या मैं चॉकलेट खाता हूँ, डिड आई ईट चॉकलेट, क्या मैंने चॉकलेट खाया। विल आई ईट चॉकलेट, अब यहाँ पे पहले शैल था, अब विल कर दिया है। दोस्तों जहां पे भी क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है तो उसको विल में ट्रांसफॉर्म कर दो। और अगर आप शेल और विल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे आने वाला शेल और विल का वीडियो देखना। वहां पे मैंने आपको शेल कहाँ पे लगाना है, विल कहाँ पे लगाना है, ये डिटेल में समझाया हुआ है। तो विल आई ईट चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट खाऊंगा। डज ही ड्रिंक मिल्क, क्या वह दूध पीता है। डिड ही ड्रिंक मिल्क, क्या उसने दूध पिया। विल ही ड्रिंक मिल्क, क्या वह दूध पिएगा। फ्रेंड्स, क्या आपने एक बात नोट की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों में भी क्रिया फर्स्ट फॉर्म की है। वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म है, ईट ईट ईट, ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक। प्रेजेंट टेंस में जैसे ही डज लगता है क्रिया का एस निकल जाता है। पास्ट टेंस में जैसे ही डिड लगता है तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही पास्ट टेंस दिखाया जाता है।
तो डिड खुद एक पास्ट टेंस है, तो वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। तो डिड आई ईट चॉकलेट हो जाता है, एट की जगह ईट लग जाता है। डज शी सिंग सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। डिड शी सिंग सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। विल शी सिंग सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी। डू वी प्रे टू गॉड, क्या हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। डिड वी प्रे टू गॉड, क्या हमने ईश्वर की प्रार्थना की। विल वी प्रे टू गॉड, क्या हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। अब हम यूज करेंगे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे। ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन लगने के बाद में ये क्वेश्चन टाइप टू बन जाते हैं, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना से नहीं दे सकते। Where do I eat chocolate? मैं चॉकलेट कहाँ खाता हूँ? ये क्वेश्चन टाइप टू है। क्वेश्चन टाइप वन था do I eat chocolate, क्या मैं चॉकलेट खाता हूँ, उसके आगे हमने where लगा दिया है। तो अब ये हो गया मैं कहाँ खाता हूँ। तो क्वेश्चन टाइप टू जो बनता है वो क्वेश्चन टाइप वन के आगे why, where, when, how लगाने से बनता है। Where did I eat chocolate? मैंने चॉकलेट कहाँ खाया। Where will I eat chocolate? मैं चॉकलेट कहाँ खाऊंगा। Why do we pray to God? हम ईश्वर की प्रार्थना क्यों करते हैं। Why did we pray to God? हमने ईश्वर की प्रार्थना क्यों की। Why will we pray to God? हम ईश्वर की प्रार्थना क्यों करेंगे। How does she sing song? वह गाना कैसे गाती है। How did she sing song? उसने गाना कैसे गाया। How will she sing song? वह गाना कैसे गाएगी। When does he drink milk? वह दूध कब पीता है। When did he drink milk? उसने दूध कब पिया। When will he drink milk? वह दूध कब पिएगा। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में डू का डू नॉट हो जाता है या डोंट हो जाता है, डज का डज नॉट हो जाता है या फिर डजेंट हो जाता है। पास्ट टेंस में डिड का डिड नॉट हो जाता है या डिडेंट, डिंट इस फॉर्म को ले लेते हैं। फ्यूचर टेंस में विल का विल नॉट हो जाता है या वोंट, शैल का शैल नॉट हो जाता है या शंट। आइए अब हम इनको यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों में भी क्रिया का पहला ही रूप लगता है। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट डू डज नॉट लगता है, क्रिया और ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट डिड नॉट, क्रिया और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल शैल नॉट, क्रिया और ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। आई डू नॉट ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ। आई डिड नॉट ईट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट नहीं खाए। आई शैल नॉट ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। वी डोंट प्रे टू गॉड,
हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं. वी डिड नॉट प्रे टू गॉड, हमने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की. वी शैल नॉट प्रे टू गॉड, हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे. शी डज नॉट सिंग सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है. शी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया. शी विल नॉट सिंग सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी. ही डजेंट ड्रिंक मिल्क, वह दूध नहीं पीता है. ही डिडेंट ड्रिंक मिल्क, उसने दूध नहीं पिया. ही वोंट ड्रिंक मिल्क, वह दूध नहीं पिएगा. अब हम सीखते हैं इन्हीं सेंटेंसेस के क्वेश्चन टाइप वन. डू आई नॉट ईट चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट नहीं खाता हूं. जब भी ऑक्सिलरी डू, डिड, विल, शैल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या. डिड आई नॉट ईट चॉकलेट, क्या मैंने चॉकलेट नहीं खाया. विल आई नॉट ईट चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा. डोंट वी प्रे टू गॉड, क्या हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं. डिडंट वी प्रे टू गॉड, क्या हमने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की. वोंट वी प्रे टू गॉड, क्या हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे. डज शी नॉट सिंग सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाती है. डिडंट शी सिंग सॉन्ग, क्या उसने गाना नहीं गाया. Will she not sing song? क्या वो गाना नहीं गाएगी. Doesn't he drink milk? क्या वो दूध नहीं पीता है. Did he not drink milk? क्या उसने दूध नहीं पिया. Won't he drink milk? क्या वो दूध नहीं पिएगा. अब हमारे WH type question. Why? मतलब क्यों. Where? मतलब कहाँ. When मतलब कब. और how मतलब कैसे. WH type question हमेशा question type 1 के आगे लगते हैं. Where do I not eat chocolate, मैं chocolate कहाँ नहीं खाता हूँ. Where did I not eat chocolate, मैंने chocolate कहाँ नहीं खाए. Where will I not eat chocolate, मैं चॉकलेट कहाँ नहीं खाऊंगा. वाई डोंट वी प्रे टू गॉड, हम ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं. वाई डिडंट वी प्रे टू गॉड, हमने ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं की. वाई वोंट वी प्रे टू गॉड, हम ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे. डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन टाइप वन के आगे लगते हैं. डू आई नॉट ईट चॉकलेट, उसके पहले मैंने वेयर लगा दिया. Did I not eat chocolate, उसके पहले मैंने where लगा दिया. Will I not eat chocolate, उसके पहले where लग गया. Don't we pray to God, उसके पहले why लग गया. Didn't we pray to God, उसके पहले why लग गया. Won't we pray to God, उसके पहले why लग गया. How does she not sing song, वो गाना कैसे नहीं गाती है. How didn't she sing song, उसने गाना कैसे नहीं गाया. How will she not sing song, वह गाना कैसे नहीं गाएगी. When doesn't he drink milk, वह दूध कब नहीं पीता है. When did he not drink milk, उसने दूध कब नहीं पिया. When won't he drink milk, वह दूध कब नहीं पिएगा. आइए अब हम विच और हुज टाइप के क्वेश्चन सीखते हैं. विच और हुज टाइप के क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है वो विच और हुज के तुरंत बाद आ जाता है और क्रिया एकदम अंत में आती है. तो आइए देखते हैं. प्रेजेंट टेंस में जैसे हम कहते हैं विच फूड डू यू कुक, आप कौन सा खाना बनाते हो. हुज फूड डू यू कुक, आप किसका खाना बनाते हो. पास्ट टेंस में हम कहते हैं विच बुक डिड दे बाय, उन्होंने कौन सी किताब खरीदी. हुज बुक डिड दे बाय, उन्होंने किसकी किताब खरीदी. फ्यूचर टेंस का सेंटेंस
Which car will she drive? वो कौन सी गाड़ी चलाएगी? Whose car will she drive? वो किसकी गाड़ी चलाएगी? दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा अगला वीडियो कंटिन्यूअस टाइप सेंटेंसेस पर होगा, तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।